नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चाप सबकी ऑलमोस्ट फेवरेट होती है और आज हम तंदूरी चाप बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी जबरदस्त बनेगी। इसको आप चाहे रुमाली रोटी के साथ खाएं, चाहे नॉर्मल रोटी के साथ खाएं, चाहे बटर नान के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रोज के रोज मेरे न्यू वीडियोस देखने के लिए जाइए आप यूट्यूब में, वहाँ पे लिखिए, टाइप करिए कुकिंग विद शालिनी, सब्सक्राइब का बटन आपको दिखेगा, उसको क्लिक कीजिए, इस तरह से दबाइए, साथ ही बेल आइकन है घंटा दबाइए इस तरह से और ऑल को क्लिक कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और रोज की रोज आपको जो है मेरी नई से नई वीडियोस देखने को मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगर आपने मेरी फेसबुक पेज को अब तक फॉलो नहीं किया है तो जाइए फेसबुक पे कुकिंग विद शालिनी टाइप कीजिए और इस तरह से फॉलो कीजिए और साथ में आपको मेरी जो है रेसिपीज देखने को मिलेगी, रील्स देखने को मिलेंगी, लेटेस्ट वीडियोज जो है जितनी भी सब आपको जो है यहाँ पर देखने मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ये दो चांप लिए, दो चांप दो जनों के लिए बहुत मोर देन इनफ, दो से तीन जने इसमें जो है आराम से खा सकते हैं। तो मैंने ये दो चांप लिए और इसको पहले जो है वॉश कर लिया। अगर इसको आपने फ्रीजर में फ्रीज कराओ तो उसको पहले निकाल लें, थोड़ा सा इसको जो है मेल्ट होने दें, उसके बाद जो है इसको वॉश करके फिर इस तरह से इसकी जो स्टिक बीच में होती है उस स्टिक को इस तरह से रिमूव कर लेंगे तो आराम से जो है ये स्टिक इसके अंदर से रिमूव हो जाएगी। ये देखिए, ये आराम से जो है ये स्टिक रिमूव हो जाती है, इसके अंदर एक और स्टिक है उसको भी रिमूव कर लेते हैं। तो दो स्टिक थी इसके अंदर, ये देखिए दोनों को रिमूव कर लेंगे। तो इस तरह से दूसरे स्टिक को भी निकाल लेते हैं। अब इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए, तो जितने बड़े पीसेस छोटे पीसेस आप चाहते हो उस हिसाब से आप कट कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया से हमारी ये चांप है और सोया चांप बिल्कुल फ्रेश अच्छी सोया चांप है, अच्छी क्वालिटी की। तो अच्छी क्वालिटी की लोगे तो आपकी बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो जितनी बड़ी छोटी आप करना चाहते हो कर सकते हो। ये थोड़ी मुझे बड़ी लग रही है, इसको थोड़ा सा और कट कर लूंगी इस तरह से। तो जो आपको बड़ी लगे उसको इस तरह से आप चॉप कर लीजिए। लीजिए कट करके कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने डाली है ऑयल, कोई भी कुकिंग वाला आप यूज करते हो उसमें आप इसको जो है बना सकते हो। तो ऑयल एक बार गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे अपनी ये चॉप। तो सारी चॉप हमने जो है इसके अंदर डाल के इसको जो हमें फ्राई करना है। तो एक बार ये खाने से जितनी आ जाए उतनी डालना और उसको फ्राई करना है। तो हम पता इसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे, उसके बाद हम इसको हिलाएंगे, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगी। तो कभी भी इसको फ्राई करें तो कोशिश करें कि नॉन स्टिक पैन ले लेंगे, इसको इस तरह से फ्लिप कर देंगे और सब तरह से जो है इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये देखिए बढ़िया सा इसके अंदर कलर आ गया, आप देख सकते हो कलर बहुत ही सुंदर सा इस तरह से आया है। और इसी तरह से हमने इसको जो है क्रिस्प कर लेंगे। अच्छा गोल्डन कलर इसमें आ गया और चाप हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है और इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए, और बाकी की चाप को भी हम इसी तरह से जो है फ्राई कर लेंगे। तो चाप को हमने फ्राई कर लिया, अब हम करेंगे मैरिनेशन की तैयारी। तो कोई भी ले लेंगे इस तरह से, कोई भी एक बोल ले लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे हंकर। तो इस तरह से मैंने जो है दही को छन्नी में डालकर जो है स्टेन कर लिया और इसका जो है पानी अलग कर दिया और दही को अलग कर दिया। तो गाढ़ा गाढ़ा दही जो है वो हमने ले लेना। तो आधा कप के करीब हम इसमें जो है दही डाल देंगे इस तरह से। ध्यान रहे दही हमने हल्का करके ही डालना है, पानी इसका निकाल लें एक्स्ट्रा वाटर और इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। पानी जो है आप इसको पी सकते हो इस तरह से, थोड़ा सा नमक डालिए, काला नमक, और इसको पीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये पानी। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अपने कुछ मसाले। सबसे पहले इसमें आधा चम्मच हम सूखा धनिया डालेंगे, 1/3 स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, इसके साथ ही आधा चम्मच हम इसमें लाल देखिए मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे 1/3 स्पून, 1/3 स्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे। और अब इसके अंदर जाएगा हमारी चांप, इससे पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके इसके अंदर ऐड करेंगे सरसों का तेल। जब भी आप मैरिनेशन करते हैं तो सरसों का तेल जरूर डालिए। तो हम 2 बड़े चम्मच जो है इसमें सरसों का तेल ऐड कर देंगे और अच्छे से मैं इसको कर दूंगी मिक्स। तो ये तैयारी हमने कर दी है मैरिनेशन की, अच्छे से हमने इसको मिक्स भी कर दिया। अब हमारी जो फ्राई करी हुई चाप है वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे सर, ताकि सब जगह अच्छे से लग जाए। सारी चाप के ऊपर हमारा जो ये मसाला है मैरिनेशन है अच्छे से लग चुकी है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी नींबू का रस। तो एक नींबू ले लेंगे इस तरह से और इसका जो है हम रस इसके अंदर ऐड करेंगे। लेमन जूस से टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है, तो एक लेमन को हमने डाल दिया इसके अंदर इस तरह से जूस और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसको हमने इसी तरह से रख देना तकरीबन आधे घंटे के लिए। नींबू ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी चाट मसाला। तो आधा चम्मच मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर दूंगी, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। इससे क्या होगा सारे फ्लेवर जो है इसके अंदर अच्छे से मिल जाएंगे। तो इस तरह से इसको मैरिनेट करे हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 चम्मच भरकर मैं अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट डाल दूंगी और इसको भी मिक्स कर दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद फिर से इसको छोड़ देंगे तकरीबन
20 मिनट के लिए। अब मैं ले लूंगी एक कोयला और इस तरह से गैस के ऊपर जो है मैंने कोयले को लेना है रखना है और इसको अच्छे से जो है जला लेना है। कोयला जो है हमने हर तरफ से अच्छे से जला लेना है, इसका अच्छे से जलना जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक अच्छे से जलेगा नहीं तब तक जो है इसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसको अच्छे से हमने पहले जो है हिलाकर इस तरह से उलट पुलट करके सब जगह से अच्छे से इसको बंद कर लेना है। जिस तरह से आप देख रहे हो ये जो है पिंक पिंक लग रहा है, बस इस तरह से इसको अच्छे से लाल हो जाना चाहिए, तभी जो है हमारा कोयला जो है अच्छे से जल, कोयला हमारा अच्छे से जल चुका है। अब हम कोई भी एक इस तरह से स्टील की जो है एक कटोरी से ले लेंगे छोटी वाली और उसके अंदर हम डाल देंगे अपना कोयला। तो कोयले को बड़े ध्यान से हम इस तरह से उठाएंगे और इसके अंदर जो है शिफ्ट कर देंगे इस तरह। अब हम इस कोयले की कटोरी को जो है बीच में रख देंगे, हमने स्पेस बना दी है इसके बीच में, इस तरह से रख देंगे और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा सरसों का तेल इस तरह से। तो आप देखोगे फटाफट से धुआं उठेगा, जैसे ये धुआं उठे हमने फटाफट से इसको ढक देना है। इसके अंदर जो है सारा कोयले का इफेक्ट आ जाएगा, सारा जो है तंदूरी इफेक्ट इसके अंदर आ जाएगा। इस तरह से हमारे को करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और तंदूरी इफेक्ट जो है इसके अंदर आ चुका है, तंदूरी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया था। तो अब हमने कोयला को निकाल लिया और इस तरह से एक स्टिक लेंगे और चांप को जो है इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। बहुत ही यकीन मानिए टेस्टी बनती है ये चांप, इसको जरूर ट्राई करिएगा। और आपको पसंद आ रही है तो लाइक का बटन फटाफट से दबा दीजिए। ये देखिए, तो जितनी एक बार आसानी से आ जाए उतनी आप इसको डाल दें। तो मैं जो है चार चार करके जो है इसको अपने गैस का फ्लेम फुल कर देना और गैस के ऊपर जो है इसको इस तरह से सेक लेना। ये इसको बिल्कुल पूरा जो है तंदूरी फ्लेवर देगा। एक तो कोयले से इसका फ्लेवर आ गया, ऊपर से ये भी जो है बहुत ही बढ़िया से इसका फ्लेवर देने वाला। ये देखिए, इसको उलट पलट करके सब जगह से हमने जो है इसको इस तरह से रोस्ट कर लेना। ये देखिए देखिए लग रहा है ना बढ़िया। तो आप देख सकते हो कि बढ़िया सा जो है इसका कलर आ गया। इसको अब हम ये देखिए बढ़िया सा तंदूरी इफेक्ट आ गया और इसको हम निकाल के बाकी के भी इसी तरह से सब करके रेडी कर लेंगे। जिस पैन में हमने चाप को फ्राई किया था उसी पैन में हम ऑयल ले लेंगे और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 3 बड़े लंबे चॉप किए हुए प्याज, 5 से 10 कलियां लहसुन की और इसको अच्छे से हमें फ्राई करना। हमने इसको अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लेना। जब इस तरह से हल्का हल्का कलर चेंज हो जाए तो उसमें हम 6 से 7 जो है काजू डाल देंगे, यानी कि कैशू नट्स। हमने पहले नहीं डाले, हमने बहुत ज्यादा काजू को जो है फ्राई नहीं करना है, बस हल्का हल्का ही हमने इसको सौते करना है। जब आपको लगे कि आपके प्याज जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बस आप इसको डाल दीजिए और बस आधे मिनट के लिए हमें इसको भून लेना इस तरह से। और फिर हम सारे प्याज निकाल देंगे, ऑयल को अंदर रहने देंगे और एक्स्ट्रा जो ऑयल इसको रहने देकर हम जितने भी प्याज है इसको इस तरह से साइड पर रख के निकाल लेंगे और इसको हल्का ठंडा हो जाए। जैसे हमारे प्याज ठंडे हो जाए इसको हम मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से इसकी प्यूरी, अब मैं उसी ऑयल के अंदर डाल दूंगी एक बारीक चॉपा हुआ प्याज, इसको अच्छे से हमें हिला लेना है। इसके साथ ही 2 से 3 लौंग और एक छोटा सा टुकड़ा हमें दालचीनी का डाल देना है, ज्यादा नहीं, दालचीनी का टुकड़ा हमें बिल्कुल छोटा सा इस तरह से डालना है। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा, इसको हल्का हमें ब्राउन कर लेना है। जब हल्का सा ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, पिंक सा हो जाए, उस स्टेज पे हमने जो ये प्याज लहसुन और काजू की पेस्ट बनाई है वो इस पर डाल देंगे। इसके अंदर डाल देते हैं सारी हम अपनी पेस्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसको भून लेंगे, क्योंकि हमने इसमें काजू डाले तो ये चिपकने लगेगी। इस स्टेज पे गैस को बिल्कुल हल्का कर देंगे और इसके अंदर ऐड कर लेंगे अपने कुछ मसाले, जिसमें सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक 1/3 स्पून, हल्दी पाउडर 1/3 स्पून, लाल देगी मिर्च 1/2 चम्मच, स्वादानुसार आप डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर 1 चम्मच, हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। अच्छे से इसको मिला लेंगे, मसालों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर दिया, आप देख सकते हो कि साइड से पैन जो है ये मसाला जो है घी रिलीज कर चुका है। इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी टोमेटो प्यूरी। तो 2 टमाटर हमने बड़े साइज के लेके उसकी जो है बिल्कुल रेड टोमेटो हमने लेने, उसकी हमने इस तरह से प्यूरी बना ली बिल्कुल अच्छे से। और ये देखिए अच्छे से इसके अंदर डाल के हमने इसको मिक्स कर लेना, गैस का फ्लेम तेज कर लेंगे। और जिस जार में हमने कैशू नट्स और प्याज लहसुन की पेस्ट को बनाया था उसी जार से हमने पानी से उसको धोकर इस तरह से इसका पानी निकाल के वो भी इसमें डाल देंगे। तो सारा पानी हमने इसके अंदर इस तरह से ऐड कर लेना है। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने पानी इसमें डाला था और अच्छे से मैंने इसको निकाल लिया, मिक्स कर लेना। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे, इसमें अच्छा से जो है बहुत ही बढ़िया सा इसका कलर आ जाएगा। इसको अच्छे से हमने भून लेना, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही जो मैरिनेट किया हुआ मसाला था जो बचा था हल्का सा, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, उसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसके अंदर ऐड कर लेंगे। उससे भी जो है बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा, क्योंकि उसमें हमने कोयले से मैरिनेट किया था, कोयले से जो है हमने इसको फ्लेवर देने की कोशिश की थी तंदूरी फ्लेवर, तो वो तंदूरी फ्लेवर जो है इसके अंदर आ जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, उसके अंदर भी हम थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से इसमें पानी ऐड कर लेंगे। तो ये हो गई है अच्छे से
बॉइल, हमने इसको एक बॉइल दे दिया इस स्टेज पे, इसमें जो हमारी चाप है वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने तेज कर दिया, इसके अंदर क्रीम डाल देंगे, अमूल क्रीम डाल रही हूँ मैं इसमें तकरीबन आधा कप, ना हो तो आप घर की में से दूध में से निकली हुई मलाई भी इसमें डाल सकते हो आधा कप के करीब, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया जो है फ्लेवर आता है। क्रीम डालने से फ्लेवर तो अच्छा आएगा ही आएगा, टेस्ट इसमें बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देता है ये, इसको जरूर डालिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसमें बॉईल आने देते हैं और अच्छे से इसको भून लेते हैं, अब फ्लेम हल्का कर लेंगे और इसको जो है ढककर रख देंगे, दो मिनट हो चुके हैं चेक कर लेते हैं, इसमें थोड़ा हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे और इसको जो है इसको चेक कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे किचन किंग मसाला, तो मेरा घर का बना हुआ किचन किंग मसाला है, आप कोई भी किचन किंग मसाला जो है ऐड कर सकते हो, फ्लेवर उससे बहुत ही बढ़िया आएगा। तो एक चम्मच भर का जो है मैं इसमें किचन किंग मसाले का ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा इसमें और डालूंगी एक 1/4 स्पून, तो 1 स्पून और 1/4 स्पून हम इसमें ऐड करेंगे, अच्छे से मैं इसको मिला लूंगी। इसके अंदर जाएगा अब हल्का सा एक बड़ा चम्मच जो है अमूल बटर, अमूल बटर जो है बहुत ही बढ़िया सा इसके अंदर फ्लेवर लाएगा। इसके साथ ही एक चम्मच जो है इसमें देसी घी का जाएगा नॉन मेल्टेड, और उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल हल्का कर लेंगे और ओपन में इसको जो है बिल्कुल लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/3 स्पून के करीब नॉर्मल व्हाइट वाला जो नमक होता है नॉर्मल नमक 1/3 स्पून के करीब, और इसके साथ ही इसमें 1/3 स्पून ही जाएगा चाट मसाला या फिर काला नमक, आप दोनों में से कोई भी डाल सकते हो, मिक्स कर लेते हैं बिल्कुल हल्के फ्लेम में। हमने इसको 2 मिनट के लिए इस तरह से ओपन में भून लिया, जब हम इसको ओपन में भूनते हैं तो घी जो है जल्दी छोड़ जाता है, और आप देख सकते हो अच्छे से जो है ये घी छोड़ चुका है। इस स्टेज पे इसमें हरा धनिया इस तरह से ऐड कर लेंगे, हरा धनिया इसमें बहुत ज्यादा मजेदार लगता है। अब हम इसको सर्व करते हैं, गैस को बंद कर देते हैं, बंद कर हमारी जो है तंदूरी चाप रेडी हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हो कितनी बढ़िया लग रही है हमारी, इसका टेक्सचर, इसका कलर, इसमें जो शाइन है वो आप देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा बढ़िया हमारी ये चाप बनकर तैयार हो गई है। इसको कोई भी गेट टुगेदर में, कोई भी आपके घर में पार्टी हो, आप इसको बना सकते हो, बहुत ही इजीली ये बनकर रेडी हो जाती है। इसको आप पराठे के साथ, नान के साथ, लच्छे पराठे के साथ, चाहे रुमाली रोटी के साथ खाइए, बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी। तो रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरा चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोज के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं एक और नई मजेदार से वीडियो के साथ, धन्यवाद।